सावरिया सेठ की कटू श्याम की तीन बार धारी की सेठों के सेठ की। चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं, और जो बिना सब्सक्राइब किए हमारा वीडियो देखते हैं उनके पापों का हिसाब रखने के लिए खुद चित्रगुप्त ने सेक्रेटरी रखा हुआ है। तो भाई राम राम सारे नाम, आपका स्वागत है अपने चैनल वेदी ब्लॉग्स में, और मैं आपका होस्ट छत्तीश वेदी। तो भाई सुबह हो चुकी है और मैं रेडी होकर आ चुका हूँ भाई अजमेर रेलवे स्टेशन, और हम जा रहे हैं भाई सावरिया सेठ मंदिर, जो कि है चित्तौड़गढ़, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले मंडपिया में। और हम जा रहे हैं भाई जयपुर उदयपुर हॉलीडे ट्रेन से, जो कि 8:15 अभी आधे घंटे में आने वाली है। उसका किराया भाई 90 रुपये, और वो जाएगी चंदरिया, अजमेर से जाती है चंदरिया, चित्तौड़गढ़ के मतलब एक स्टेशन पहले है, और वहाँ से चंदरिया से सावरिया सेठ मंदिर रह जाता है अपना ये कुछ 30 से 40 किलोमीटर, जो कि ऑटो से जा सकते हैं। और भाई सावरिया सेठ मंदिर जाने के लिए सबसे जो नज़दीक जंक्शन पड़ेगा वो है आपका चित्तौड़गढ़ जंक्शन और उदयपुर जंक्शन, वहाँ से आप अपना जा सकते हो, पास पड़ता है मतलब वहाँ, और वहाँ से आपको डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी, टैक्सी मिल सकती है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा भाड़छोड़ा गांव या भाड़छोड़ा चौराहा जो भी बोलते हैं सावरिया सेठ के लिए, फिर वहाँ से आपको डायरेक्ट सावरिया सेठ के लिए मिलेगी। और ये मैं ट्रेन की बातें कर रहा हूँ, और अगर आपको प्लेन से जाना है तो प्लेन से आप जा सकते हो अपना महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर में है, वहाँ से आपको 70 से 80 किलोमीटर पड़ेगा। तो फिर भाई ये थी कुछ बेसिक जानकारी जिससे आप जा सकते हो। ये है भाई अपनी ट्रेन, और कुछ ऐसा लुक है इसका, आगे अपना पूरे टाइमिंग 8:10 पे, वही अपनी ट्रेन पूरे 8:17 पे चल पड़ी है, और अपना 8:15 का टाइम है इसका, तो अपना कोई भी लेट मत हो, ये 2 मिनट ऐसे ही लेट होगी, वरना पूरे 8:15 पे चल पड़ी थी। देखो 8:17 का टाइम रखा है। फिलहाल हम चंदेरिया अपना बोरी ट्रेन, और यहाँ से सावरिया सेठ है 50 किलोमीटर, हमने ऑटो किया है, एक ऑटो 1000 रुपये का आने जाने का। और भाई ये ट्रेन पूरा अपना, इसमें स्लीपर भी है, एसी भी है और जर्नल भी है, तो तीनों डिब्बे हैं, और अपना 11:05 पे उतार दिया इसने राइट अपना। और भाई हम रील बना रहे हैं, तो देखते हैं कैसा बिहाइंड द सीन। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। सावरिया सेठ रहता है यहाँ से 5 किलोमीटर, और बीच में आपको बेर मिल जाएंगे पेड़ों पे, तो आप, हमने जैसे ऑटो रुकवाया है सिर्फ बेर खाने के लिए, आज हम आए हैं बेर खाने, बेर चुराने। मैं चोर हूँ। और भाई आप यहाँ पे रोक के और कहीं पे भी खा सकते हैं, जैसे देखो ये भर भर के खाएंगे अब। इतनी खुशी मुझे। ये सीधा सीधा मंदिर का मार्ग, और हमारे द्वार खुलेंगे 2:30 बजे, तो आपको वो दिख रहा है ऊपर गोल्डन गोल्डन सा है, वो है मंदिर। और सावरिया सेठ को भाई बाबा को मतलब लोग इसलिए अपना बिजनेस में पार्टनर भी बनाते हैं, उनका एक हिस्सा भी निकालते हैं ताकि बाबा के ऊपर वो चढ़ा सकें अपना, और बाबा के दर्शन कर सकें। और भाई यहाँ जाने का काफ़ी अच्छा मार्ग बना रखा है, मतलब हरियाली भी है। ये भाई प्रवेश द्वार, चलते हैं भाई मंदिर के अंदर, और मंदिर में अनाज फूलमाला प्रसाद अगरबत्ती नारियल केक नहीं ले जा सकते आप, तो फिर जय श्री खाटू श्याम। और भाई अंदर घुसते ही क्या लुक है यार, मतलब फोटो खिंचवाओ यार, यहाँ पे एक से एक फोटो आ रही है भाई, देखो शानदार जबरदस्त। मेन मंदिर बाबा का। हेलो गाइस। ये है प्योर चांदी का रथ है, जो सावरिया सेठ जी की यात्रा निकाली जाती है,
वो पूरी मतलब इस पे निकाली जाती है, पूरा चांदी का है। और वही मंदिर की टाइमिंग है अपना सुबेरे 5:30 से और 12 बजे तक, और फिर 2:30 बजे से और 11 बजे तक रात को। सावरिया सेठ की जय, कटू श्याम की जय, तीन बार धारी की जय, सेठों के सेठ की जय, बाबा श्याम की जय। सावरिया सेठ के मंदिर के बाहर भाई एक ये भी है गणेश भगवान का मंदिर, और अंदर से भाई कुछ ऐसा है ये गोल्डन गोल्डन कलर सा और एक नंबर बना रखा भाई अंदर से ये मंदिर, और तभी तो इनको सांवरिया सेठ कहते हैं, भव्य दरबार बाबा का। सच कहूं तो दिल खुश हो गया। और ये भाई बाबा के मंदिर के बाहर ही है अपने महादेव का मंदिर, हर हर महादेव। और भाई देखो बाबा के दर्शन कितने कबूतर कर रहे हैं, मतलब यही ठीक है, कम से कम बाबा के आसपास तो हैं हमेशा। वही अब करके आए हम दर्शन और टाइम हो रखा है 3:10 का। वही भाई अपना भीड़ थी लेकिन इतनी नहीं थी, अपना आराम से नंबर आ गया था। और वही है भाई टाइम 2:30 बजे के आप आसपास आओ, और आते ही भाई आगे चले जाओ, पीछे मत बैठो जैसे हमने गलती की थी, और भी जल्दी नंबर आएगा आपका। और भाई दर्शन करके तो मज़ा आ ही जाएगा आपको। बिल्कुल बाहर ही छोटी सी हल्की सी मार्केट है, जो कि आप यहाँ से कुछ शॉपिंग कर सकते हो, कुछ यादगार लम्हों के लिए देख सकते हो। वो राजपुताना चीज़ें हैं, अपना तलवार वगैरह, रविंद्र जडेजा का स्टाइल देखा हो आपने। रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत। और आप भाई जैसे ही मार्केट से थोड़ा सा आगे आओगे तो ये एक भोजनशाला, और इसमें 30 रुपये में प्रति थाली है, जिसमें चपाती दाल सब्जी चावल अचार मिठाई फुल पेट भर के भाई 30 रुपये में सिर्फ। देखो बाबा कैसे कृपा कर रहे हैं इन पे। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो फिर भाई ये था अपना पूरा वीडियो, और आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल वेदी ब्लॉग्स। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय शंकर भगवान, जय शंकर भगवान, जय श्री श्याम, जय सवारी सेठ। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना ठीक।